तो आज की स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है। तो स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि कल मैं सुबह सो के उठा, थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद मैं अपने दोस्त के रूम पे गया। तो उधर जाने के बाद मुझे पता चला कि हमारी यूनिवर्सिटी लॉकडाउन हो गई है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तुम लोग गए होगे, तुमको सही चाइनीज़ नहीं आती, तुम्हें समझ नहीं लगी होगी। तो मैंने कहा जी मैं जाता हूँ, बड़ा तैयार श्यार होके ये बाल शाल सेट करके मैं गया। जब नीचे पहुंचा तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे कहा बेटा वापिस चले जाओ। मैंने कहा ऐसे क्यों, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। काफ़ी बहस, मतलब जिसको मिनते तरला कहते हैं, काफ़ी मिनत तरला करने के बाद मुझे उन्होंने आखिरकार बड़े प्यार से किस दी और मैं वापस आ गया। बोर हो रहा था अपने रूम पे, लेटा लेटा बेड पे सो गया। अभी सो ही रहा था कि घर से कॉल आई, तो ऐसे आंखें मसलते मसलते मैं उठा और कॉल उठाई, वीडियो कॉल थी। घर वालों ने डायरेक्ट देखा मुझे ऐसे आंखें मसलते हुए उठा और ऐसे मुंह ऐसे, जैसे आपको पता सो के बंदा उठता है कैसा हालात होते हैं। तो वो बोले जी घर वाले तुम क्यों रो रहे हो, तुम वापस क्यों नहीं आ जाते, हम तुम्हारी टिकट करवाते हैं, वापस आ जाओ। आखिरकार उनको थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड किया कि मैं रो नहीं रहा था, मैं सो रहा था। रात हुई तो पता चला कि कल तो वैलेंटाइन डे है, मतलब 8/14 को वैलेंटाइन डे है। मैंने कहा वाह भाई वाह, वैलेंटाइन डे, घूमेंगे फिरेंगे खाए पिएंगे बैठ जाएंगे। और उसके बाद मुझे काफ़ी सदमा मिला, पता चला जी हमारा लॉकडाउन है और हम तो बाहर ही नहीं जा सकते। तो फिर क्या कर सकते थे, बाहर तो नहीं जा सकते थे, लेकिन मैं फिर आ गया 19 फ्लोर पे। मैंने कहा सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं, एटलीस्ट बाहर देख लेते हैं, कम से कम थोड़ी सी तो फीलिंग्स आएंगी कि हम आज़ाद हैं, अभी भी बाहर देख सकते हैं। इधर आ गया, अभी मैं 19 फ्लोर की बालकनी में खड़ा हूँ, तो इधर थोड़ा बहुत बाहर देख रहा था, दिल को तसल्ली दे रहा था कि अभी भी हम थोड़े से आज़ाद हैं। मुश्किल टाइम है, अभी चाइना पे हम पे इधर लॉकडाउन हुआ है, क्योंकि ये अभी जो फेब्रेरी चल रहा है, फेब्रेरी का मिड से लेके फेब्रेरी के तकरीबन एंड तक ये सबसे ज़्यादा पीक का उन्होंने बताया है कि इसमें सबसे ज़्यादा पीक होगी बर्स की, तो इसलिए हमको इन्होंने लॉकडाउन कर दिया ताकि बाहर ना जाएं और हम थोड़ा महफूज रहें। बहरहाल ये हमारे ही बेहतरी के लिए है, हमने भी ज़्यादा बहस नहीं की, अभी हम अंदर ही रहते हैं, 1-2 दिन हो गए हैं, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है। आई होप ये जल्द कंट्रोल हो जाए और हमारा सेमेस्टर भी आराम से स्टार्ट हो जाए और हम एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए, बाहर जाएँ और आराम से खुश रहें। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।